पेट्रोल डीजल की दामों के साथ सरसों के तेल के दाम को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टांगे पर अलग तरह का प्रदर्शन करते हुए लोगों को पापड़ बांटे और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने लोगों को बताया कि उनके जिताए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की क्या हालत कर रहे हैं। देखो जी, आज बीजेपी मोदी सरकार ने हद मुकाई हुई है। बीजेपी मोदी सरकार दे राज आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये तो पार हो गया, तो सरसों का तेल 200 तो पार हो गया, तो टांगा नहीं करांगे, तो पापड़ नहीं खावांगे, तो होर की करांगे। अगे तो सरसों के तेल च रोटी पका के सब्जी पका के खा लेंदे सीगे, क्योंकि 50 रुपये 60 रुपये 70-80 रुपये चलता सीगा। अज 200 रुपये सरसों का तेल महंगा हो गया, तो 200 रुपये का तेल खरीद के एक गरीब परिवार, एक आम परिवार, एक नौकरी पेशे वाला बंदा किन्ने किन्ने घर के अपनी सब्जी पका के खा सकूगा, तो सुखे पापड़ खाने की नौबती आ गई। यह लोगों का दर्द है जिहड़ा मैं टांगा के पापड़ लैके सड़कों से घूमता पाया, ताकि मोदी बीजेपी सरकार नूं घटो घट अखा खुलन इन्हों दियाँ कि लोग हालात आ गए। मैं तो वादा किया सीगा कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे का पता नहीं जो पल्ले सीगा वह भी चला गया, हुण तां नंगे दिन आने की नौबत आ गई है। नंगा करी जांदी भी आम जनता नूं, आम बंदे की नौकरी किसे दा ठिकाना नहीं, कारोबार बंद होते आ गए। करोना की मार वक्री, यह मोदी की मार वक्री, करोना की मार चली है कि मोदी की मार चली है। भाई GDP थले जाण दे नाल महंगाई दा स्तर दा की मतलब हैगा? भाई भाई सरसों का तेल 200 रुपये हो गया, GDP करके हो गया, और इस करके हो गया कि ये जेडे अंबानी अडानी वर्गे वड्डे ग्रुप है, इन्होंने सारा माल अंदर कर लिया, इन्होंने खुल दे दी। भाई साहब अगे इन्हां माला दे उत्ते स्टॉक लिमिट होंदी सीगी कि इस तो ज़्यादा माल असी स्टॉक नहीं कर सकते, इन्हें वो एक्ट ही खत्म करता एसेंशियल कमोडिटी, ये करके हूँ जिन्ना मर्जी माल स्टॉक करी जानो वो स्टॉक करी जा रहे। यही हो गल का रोना तो किसान रोन रहा, वो किसानों तो सस्ते रह के भा तो माल स्टॉक करके वो रेट उन्ने दुगने वधा के लोगों को लुट रहे। यही साडा किसान 7 महीनों तो दिल्ली के बार्डर से खड़ा होकर बोल रहा है, मगर मोदी के कन्ना च रूई तो मुँह च सरो जमी है, ना कोई बोलता ना कुछ सुनता, अखा तो उन्हें पट्टी बन ली है, तो हूँ गरीब बंदा कितने जाए। कैप्टन साहब ने हर मुद्दे उत्ते हर गल के उत्ते अपनी पूरी एकसीता दिखाई है। करोना दे करोना वास्ते तो तुम लोग सारे कहते हो कि बाहर घट निको घर रहो, आम जनता कहती है, तो फिर कैप्टन सरकार का फिर हर मुद्दे उत्ते पॉइंट टू पॉइंट काटो कलेश नहीं है। भाई साहब है यह कांग्रेस की विच एक साफ गल दर्शाती है कि कांग्रेस ही एक आदि पार्टी हैगी है जिहदे विच हर कोई बंदा अपनी गल खुल के कह सकता है, डेमोक्रेटिक है, विचार है, मेरे विचार होर हो सकते हैं, किसी होर दे होर हो सकते हैं। वो ऐसा यार लोगों के प्यार की गल है, कोई सिद्धू नूं ज़्यादा प्यार करता, कोई कैप्टन नूं करता, कोई चन्नी नूं करता। हुण मैं जे कैप्टन साहब नूं प्यार करता है, जे मैं कैप्टन की गल करता तो गलत है, जे मैं सिद्धू की गल करा सिद्धू नूं प्यार करता वह भी गलत है, जे चन्नी की गल करांगा तो चन्नी की गल। भाई साहब इहदा लोगों के दिल की गल हैगी, वर्करां दी साथियों की, हर कोई चाहता मेरा लीडर उपर आए। जिहड़ा सिद्धू की गल करता है वह सिद्धू प्रेमी, जिहड़ा कैप्टन की गल करता कैप्टन प्रेमी है। देखो सिद्धू भी कांग्रेस का लीडर है, कैप्टन साहब जी कांग्रेस के लीडर है, तो सारे कांग्रेसी कांग्रेस के सिपाही है, वो इतने कोई किसी के थले काम नहीं करता, सब एक दूजे के नाल काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर की उन्नी ही इंपोर्टेंस है जिनी साडे प्रधान की कैप्टन साहब। आज स्टंट करते असी कोई 200-300-400 बंदा लैके करते, देखो सुखबीर बादल ने उन्हें किया ही है, वो तो मोहाली कि बंदा कट्ठा करके 200-250 बंदा करके था, साड़ी सरकार ने तो FIR दर्ज कर दी, परचा दर्ज करता। पार्टी जा वैसे गल करते हैं, नहीं नहीं मेरी कट किया सुनो, कट किया सिम अं आप कोविड में बचा के चलने हैं, जिन्ना वो तो वादा जो गलत करे परचा हो तो कोई ऐसी गल नहीं, कोई गल नहीं जो गलत करे तो होविड में बचा के जनता के नाम बचा के करें, वो तो डिसीजन लैन गए जे एरिए डिसीजन लैन गए, असी परचा आप नहीं करना, असी परचे तो पता की है असी तो जो नाल सहमत हाँ, वैसे कोविड के नियम अनुसार अज धरना भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असी इतने लोगों का दर्द दिखा आए हैं, तो तुम वाल ध्यान दौ जो भी कोविड के नियमों का उलंघन करता है चाहे वह कोई है, वो कार्रवाई होनी चाहिए है चाहे वह कोई है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज़ जलंधर।